हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल कुंदन के साथ क्लासेस में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, बिहार में एक पे एक भर्तियां आ रही है, बम्फर भर्ती चल रहा है। अभी हम लोगों ने बिहार शिक्षक भर्ती देखा, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, अब बिहार SSC पे 11,098 पदों पर भर्ती निकाली है। तो दोस्तों, किसी भी एग्जाम को अगर हमें निकालना है, क्रैक करना है, तो उसका सिलेबस को, उसके एग्जाम पैटर्न को समझना होता है। तो आइए जानते हैं बिहार SSC 10+2 लेवल की जो वैकेंसी है उसका सिलेबस क्या है। पदों की बात करें तो इसमें पदों की संख्या कितना है, 11,098 पद हैं, पदों पे भर्ती होनी है। और दोस्तों, ये जो पेपर होना है 2014 के बाद अभी 2023 में वैकेंसी निकली, ऑलमोस्ट 9 साल बाद ये भर्ती देखने को मिली है। अब इसका जो एग्जाम पैटर्न है क्या है, एग्जाम पैटर्न में दोस्तों याद रखना है, पीटी और मेंस दो पेपर होंगे, पीटी भी होगा, मेंस भी होगा एग्जाम पैटर्न। अब पीटी में क्या क्या पूछे जाएंगे और मेंस में क्या क्या पूछे जाएंगे, इस चीज को जानते हैं। पहले जानते हैं टोटल इसमें क्वेश्चनों की संख्या पीटी और मेंस में कितनी रहेगी। तो 150 क्वेश्चन होंगे पीटी और मेंस में। टोटल मार्क्स की बात करें तो 600 मार्क्स होगा, यानी एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा, ये क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। और टाइम की बात करें तो 2 घंटा 15 मिनट टाइम रहेंगे। और एग्जाम मोड जो होगा वो ऑफलाइन मोड पे एग्जाम होंगे। निगेटिव मार्किंग है, कितना है, 1/4 का निगेटिव मार्किंग है। ये जो 150 क्वेश्चन 600 नंबर के होंगे, 2 घंटा 15 मिनट में करने होंगे, ऑफलाइन मोड में होगा, निगेटिव मार्क भी होगा, ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा एग्जाम सिलेबस की चर्चा करते हैं। तो एग्जाम सिलेबस में पीटी और मेन्स, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पीटी भी होगा मेंस भी होगा, तो पीटी का जो सिलेबस है वो जीके और करेंट से 50 क्वेश्चन पूछेगा। जीके और करेंट से 50 क्वेश्चन आएंगे, जीएस से 25 क्वेश्चन आएंगे और मैथ से भी 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन आएंगे। टाइम की बात करें तो 150 क्वेश्चन आएंगे, टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितनी रहेगी, 150 क्वेश्चन रहेगी, टाइम वही रहेगा 2 घंटा 15 मिनट, निगेटिव मार्किंग भी है। ये टोटल नंबरों की बात करें तो 600 नंबर का ये टोटल प्रश्न रहेगा। अब मेंस की बात करके, पीटी हो गया, पीटी और मेंस दोनों सिमिलर है, इसे जोड़ेंगे तो इसमें भी कितने क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन। मेंस की बात करें तो मेंस में भी जीके से कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन, जीएस से 25 क्वेश्चन, मैथ से भी 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से भी 50 क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चनों की बात करें तो 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन 600 नंबर के। ये तो हुआ पीटी और मेंस का। साथ ही साथ करते हैं हिंदी की, तो हिंदी के क्वेश्चनों की संख्या रहेगी 100 क्वेश्चन हिंदी में रहेंगे, टाइम कितना रहेगा, 2 घंटे का रहेगा। बस इसमें क्या करना है, इसमें निगेटिव मार्क नहीं रहेगा, बस पासिंग मार्क्स लाना है 30%। जैसे कि अभी आप लोगों ने बिहार शिक्षक भर्ती देखा, उसमें क्या था, सेकेंड पेपर क्या था, बस जस्ट पासिंग नंबर लाना था हिंदी से, इंग्लिश से, जो सब्जेक्ट से, भाषा से। तो भाषा में बस इसमें भी क्या लाना है, 30% लाना है, यानी पासिंग मार्क्स लाना है, 100 में 30 नंबर लाना है, 2 घंटे का पेपर होगा। ये रहा दोस्तों बिहार SAT 10+2 वैकेंसी का सिलेबस। किसी भी एग्जाम को अगर अच्छे से क्रैक करना है तो उसके सिलेबस को अच्छे से पढ़ना होता है, समझना होता है। यदि आप इसको निकालना चाहते हैं तो मेरिट की बात करें तो एग्जाम में लास्ट में मेरिट बनेगा, मेरिट जो बनेगा वो मेंस के आधार पर बनेगा। मेंस में आप जितना अच्छा स्कोर करिएगा उतना ही अच्छा मेरिट बनेगा, इसमें ज्यादा फोकस। इसमें भी जीके दोनों का सिलेबस देखा जाए, पीटी और मेंस के, इसमें भी जीके के 50 क्वेश्चन है, जीएस के 25 क्वेश्चन है, मैथ के हैं, रीजनिंग के हैं, सेम मेंस में भी है। यानी इसको आप अच्छे से पढ़िएगा तो आपका मेंस भी क्लियर हो जाएगा। बात रही ये, तो आप 30 क्वेश्चन ऐसे ही कर लीजिएगा। जय हिंद साथियों।